बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की हालत वाड़ा दोस्तों, ठीक ठाक हो? उम्मीद है कि तुसी ठीक होवोगे ते अल्लाह ताला तुहानू सारयां नू खुशबाश रखे। मेरा नाम मुहम्मद मुजम्मिल नज़ीर, रिहायश मेरी 166 GB, तो जरा मेरा इलाका है 14 चक गुजरां दा। मैं एक तुहाडी खिदमत च यूट्यूब चैनल लैके आ रहा, देहाती जिंदगी नू तुहाडे सामने लैके आना कि देहात वाले किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते ने ते अपना गुजर बसर किस तरह करते ने। बेसिकली मेरा चैनल बनाने का जो बेसिक मकसद ये है कि पिंड की लाइफ में रिवेल करना, डिस्कवर करना। इत बहुत बहुत बड़े बंदे गुजरे ने जिन्होंने पाकिस्तान दे विच, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की दे विच बहुत ज़्यादा हिस्सा पाया, लेकिन वो उन्होंने किसी ने मंजरे आम तो नहीं लैके आए। जैसा कि कबड्डी के प्लेयर, वॉलीबॉल के प्लेयर हो गए सारे के सारे। खैर, मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद बेसिकली ये है पिंड की लाइफ में डिस्कवर करना, पिंड की लाइफ में रिवेल करना कि इतने जो बंदे रह रहे हैं वो उन्होंने किस मुश्किल का सामना करना पैंता है, तो किस तरह उन्होंने मेहनत करनी पैंती है अपनी जिंदगी जीन वास्ते, तो किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या जो शहर में सहूलियात ने वो इतने है कि नहीं है, वो सब कुछ इंशाल्लाह असं इस चैनल के डिस्कस करा। तो उस तो बाद जरा दूसरा मकसद ये है, दूसरा मकसद ये है कि साडा ज़्यादातर इलाका जरा ना वो जखे जरई जरा ना जरई अजनास के उत्ते या जरई रकबा साढ़ा इतने ज़्यादा तो ज़्यादातर, तो ज़्यादातर लोगों का जरा गुजर बसर है वो होंगे जी जरात के उत्ते है। तो किस तरह अपनी फसलों पालते हैं, किस तरह अपनी फसलों जो फसल तैयार होंगी है तो उन्होंने खुशी का इजहार की होंगे, किस तरह वो बीजते हैं, किस तरह मंडिया तक लैके जाते हैं, तो उन्होंने की मिलता है उन्होंने जी जनास जरिए जनास में बेचते हैं। उस तो बाद पहला तो सा पॉइंट हो गया ये। नंबर दो ये जी, साढ़े पिंड खेडा खेडिया जा मशहूर खेडा कि खेडा के प्लेयर कि ठीक है जी, वह प्लेयर ना भी इंशाला अं मिलेंगे। नंबर तीन, सा सब तो अच्छा जरा सू जो सा विरसा है, सब तो जरा अच्छा विरसा साढ़ा, जिन्हों दुआवं सूँ हर वक्त चाहिए तो उन्होंने साया अल्लाह ताला साढ़े उत्ते हमेशा कायम दायम रखे। उन्होंने साढ़े बजुर्ग, असं अपने बजुर्गों को मिलेंगे, उन्होंने को पूछांगे कि तुसी किस तरह माइग्रेट करके आए, किस तरह तुसी हिजरत की, किस तरह जो पाकिस्तान अलहदा होया वो किस तरह इतने आए, तो उन्होंने जो वो इतने आके बसे ने तो उन्होंने मुश्किल का सामना करना पाया, तो किस तरह उन्होंने इतने आके पिंड बसाए, क्योंकि साढ़े 14 चक गुजरां के बेसिकली बार्डर तो उठ के सारे माइग्रेट इतने हुए थे। तो इंशाला 14 चक जोड़े साढ़े उन्होंने सारे फिर भी उन्होंने जो बजुर्ग ने पुराने उन्होंने इंशाला मिलेंगे, उन्होंने दुआवं लाँगे, उन्होंने स्टोरिया सुनेंगे, तो इंशाला अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। फिर उस तो बाद 14 चक जो साढ़े ने वो ज़्यादातर जिमें पहले थोड़े नाल गल शेयर की है कि जरई रकबा साढ़ा ज़्यादातर जरा रकबा सा जरई रकबा है, तो ज़्यादातर लोगों का जरा गुजर बसर है वह भी जरात दे नाल मुंसलिक है। तो इंशाला 14 चक जावे, 14 चक पिंड एक एक हसी बनावे, वीडियो पूरे 14 चक एक एक वीडियो करके 14 चक डिस्कवर करेंगे, उन्होंने बजुर्गों को मिलेंगे, फिर देखेंगे कि उन्होंने पिंड किस तरह लोग जो है ना अपनी जिंदगी लैके चलते हैं ना। तो इंशाला जरूर, तो ये सब कुछ जरा ना ये थानू साढ़े इस चैनल च मिलेगा, तो थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए सानू, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, थोड़ी दुआवं चाहिए, ठीक है जी, थोड़ी सपोर्ट चाहिए है। तो इंशाला अल्लाह खैर करेगा, दुआ करो साढ़े वास्ते। थोड़ा मेज़बान मुहम्मद मुजम्मिल नज़ीर इंशाला बहुत अच्छी वीडियो थोड़े वास्ते लैके आएगा, तो सानू थोड़ी सपोर्ट की, थोड़े प्यार की जरूरत है।